Hello students, here is Jitendra Marandi from IIT Anandapur, and you will be with me attentively till the end of this lesson. Today is our second class on clutch. Today we will discuss about diaphragm clutch and fluid coupling clutch. So last class re ame discuss karthile clutch topic upare, sethire ame janithile type of clutch ebong तन्मध्यरु आमे जानिथिले सिंगल प्लेट क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, सेंट्रिफ्यूगल क्लच। तो आज आम डिस्कस करिबा डायफ्राम क्लच। ना डायफ्राम क्लच कौन ना डायफ्राम क्लच मध्ये सिंगल प्लेट क्लच टाइप रो सेथिरे केवल एतिकी डिफरेंस रहुचि, सिंगल प्लेट क्लच रे जो रिलीज लिवर लागुथिला एई जगह रे रिलीज लिवर न लागि ता परिवर्ते गोटे डायफ्राम टे लागिबो। तो डायफ्राम क्लच सिमिलर टू सिंगल प्लेट क्लच, फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट एंड क्लच प्लेट जी। एंड डायफ्राम स्प्रिंग्स इज यूज इनस्टेड ऑफ कॉइल स्प्रिंग जी। कॉइल स्प्रिंग जमीती कि सिंगल प्लेट क्लच रे आमरो कॉइल स्प्रिंग यूज करा होतला, ठीक सेमिति डायफ्राम टाइप क्लच रे बा डायफ्राम क्लच रे कॉइल स्प्रिंग परिवर्ते कौन लागुचे ना डायफ्राम लागुचे। डायफ्राम स्प्रिंग इज ए लार्ज डिस्क ऑफ कॉनिकल फॉर्म, इटा गोटे कॉनिकल शेप है कि गोटे लार्ज स्प्रिंग थिबो, सबु सेंटर को पड़े आसथिबो, गोटे राउंड शेप रो गोटे प्लेट थिबो एवं ताकु कॉनिकली ग्रुप कराई थिबो बा कट कराई थिबो, जोटु कि लिवर परिवर्ते इठी डायफ्राम कराई थिबो। जमती कि आमे स्केच रे देखिबा इटा ए जगह रे आमरो कोन लागुथला ना सिंगल प्लेट क्लच रे ए जगह रे आमरो रिलीज लिवर लागुथला बा रिलीज फिंगर लागुथला, किंतु ता परिवर्ते इठी कोन हला ना डायफ्राम लागले। एगुडा को गोटे गोटे डायफ्राम ये गोटे प्लेट रे कटाई छे। तो बाकी जेमती आमे सिंगल प्लेट क्लच रे जाईथिले ये ला फ्लाई व्हील, मिडिल रहला क्लच प्लेट एवं नेक्स्ट आसला प्रेशर प्लेट, तापरे आमरो रिलीज फिंगर बा रिलीज फिंगर लागुथला। तो सेही जगह रे कोन लागे ना डायफ्राम लागला। नेक्स्ट देखिबा ना इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ रेडियल फिंगर्स इन इट्स सेंटर पर्सन जे सेथिरे सिंगल प्लेट क्लच रे आमरो रिलीज फिंगर लागुथला तीनटा रु चारटा लागुथला, किंतु एठी अनेक गुडाई लागुची। फ्लाई व्हील फिक्स्ड ऑन द इंजन क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील तो इंजन क्रैंकशाफ्ट रे फिक्स थिबो, क्लच प्लेट इज फ्रीली माउंटेड ऑन द स्प्लाइंस ऑफ द क्लच शाफ्ट। क्लच बा क्लच डिस्क रो जो हब रहुचे तार इंटरनल स्प्लाइंस रहुचे, क्लच शाफ्ट रो एक्सटर्नल स्प्लाइंस रहुचे, सेठी से कोन होचे ना इंटरनल स्प्लाइंस आउ एक्सटर्नल स्प्लाइंस दि जण स्प्लाइंड हिक रहउचंती। दैट मींस जदी क्लच प्लेट बोलिला बा क्लच प्लेट बोलिबा आरंभ करिवो त माने जेहेतु स्प्लाइंड हिक अछि बा अटैचमेंट हिक जेहेतु रहउचे क्लच प्लेट बोलिबो, दैट मींस शाफ्ट मध्ये बोलिबो। आमरो लक्ष्य हैला शाफ्ट बोलिबार अछि, ड्राइव कोठू नबा ना फ्लाई व्हील नबा, कारण इंजन रो जो पावरटा इंजन रो आउटपुट पावरटा स्टोर हिजे कोठी फ्लाई व्हील, तेनु सेही पावर को हमर ट्रांसमिट करिवार होला मूल लक्ष्य। कहा द्वारा ट्रांसमिट करिया ना क्लच द्वारा ट्रांसमिट करिया, तेनु हमर लक्ष्य होला क्लच प्लेट बुलिबो विथ क्लच प्लेट द्वारा शाफ्ट बुलियो एक्जाक्टली। तो एठी ये हमर ड्रिवन शाफ्ट जोटा कि गियर बॉक्स रे अटैच है कि अछि, तो फ्लाई व्हील रे पावर अछि क्लच प्लेट रे नुह, फ्लाई व्हील रे पावर अच्छे ताको आमे कोर्ट को नबा ना अप टू गियर बॉक्स जाई नबा, कहा द्वारा नबा ना क्लच प्लेट द्वारा नबा, फ्लाई व्हील द्वारा क्लच प्लेट बुलिबो, क्लच प्लेट इंटरनली स्प्लाइंस अच्छे एवं क्लच शाफ्ट रो आउटर स्प्लाइंस अच्छे बा एक्सटर्नल स्प्लाइंस अच्छे, तो दि जण जेहेतु मेस होइछंती फ्लाई व्हील द्वारा क्लच प्लेट बुलिबो एवं क्लच प्लेट द्वारा के बुलिबो ना शाफ्ट बुलिबो क्लच शाफ्ट बुलिबो, जो द्वारा कि पावर ट्रांसमिट हो पारिबो कोड को ना गियर बॉक्स को। क्लच प्लेट इज फ्रीली माउंटेड ऑन द स्प्लाइंस जानले, प्रेशर प्लेट असेंबली इज फिक्स्ड टू द फ्लाई व्हील, जो प्रेशर प्लेट असेंबली थिबो तादरे कोन हिथिबो ना डायफ्राम अटैच करा हिथिबो लिंकिंग मेथड रे एवं ए कंप्लीटली यूनिट को कहा कोठी ना फ्लाई व्हील रे बाय द मींस ऑफ नॉट एंड बोल्ट द्वारा फिक्स करा हिथिबो। तारे वर्किंग देखिबा ना देखिबा क्लच रो एंगेज पोजीशन, क्लच एंगेज अछि तारो अर्थ क्लच को आमे ऑपरेट करिनहु बा क्लच को आमे अप्लाई करिनहु,
क्लच आप्लाय करना अर्थात क्लच एंगेज अच्छे दैट मीनस जदि इंजिन स्टार्ट अच्छे पावर ट्रांसमिशन टा कंटिन्यूसली चालू रोचे सेटा केमी होना ये देखा आम ये फ्लाई व्हील एपटे थी जो ब्लू कलर देखा जाए स्काई ब्लू कलर देखा ये क्लच प्लेट एवं तापर जी अच्छे सेक्शनल व्यू होकी ये प्रेशर प्लेट एवं ता पचर कौन अच्छे ना डायफ्राम अच्छे डायफ्राम टा कॉनिकल शेप होता है एमती कॉनिकल शेप होकी थी अर्थात दबिकी थी तार बेस साइड टा यहाँ बेस साइड यहाँ टॉप साइड ये बेस साइड जेहेतु दबिकी थी तेणु तार लोड क्या पड़ थो क्लच प्लेट उपर पड़ थोड़ा और क्लच प्लेट उपर जेहेतु लोडटा पड़े क्लच प्लेट रोड क्या थी ना फ्लाई व्हील उपर थी तेणु फ्लाई व्हील टा बुलू क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट दुटा जाक तादरे मिसीगले अर्थात से गोटे यूनिट हो गले बादे भी आमर ये कॉइल स्प्रिंग लगुच मझे मझे कॉइल स्प्रिंग लगी था सर्कुलर होटा सेक्शनल व्यू होती तेणु जना देखा ये स्केच दिखाई तेणु तार मझे मझे गोटे गोटे कॉइल स्प्रिंग छोट छोट कॉइल स्प्रिंग लगे दि जाए से बैकवर्ड जिते आसवा से ही समय से कम कर तो ये लोडेड होते दैट मीनस पावर ट्रांसमिशन चली कारण एबे देखो ना फ्लाई व्हील बुलू क्लच प्लेट भी बुलू प्रेशर प्लेट भी बुलू जेहेतु क्लच प्लेट बुलू ये इंटरनल स्प्लाइंस क्लच प्लेट रो अच्छी से स्प्लाइंस द्वारा ड्राइव ट्रांसमिट हो क्लच शाफ्ट को एवं शाफ्ट द्वारा जाऊँ गियर बॉक्स को तार डिसएंगेजमेंट केमी हो ये क्लच डिसएंगेजमेंट स्केच क्लच डिसएंगेजमेंट कौन हो देखा व्हेन ड्राइवर प्रेस द क्लच पेडल डायफ्राम स्प्रिंग टेक्स ऑन इट्स ओरिजिनल शेप ऑफ कॉनिकल फॉर्म मुझे जो डायफ्रामा थी सी कॉनिकल शेप होते आम रिलीज बेरिंग द्वारा ताकि ऑपरेट करवा स्केचटा ये जो डायफ्राम आर चित्र कौन थी ना यही शेप्र थिला बाहर को थिला डायफ्रामा बाहर को थिला कॉनिकल होपटे आउटवर्ड आड़े थिला किंतु एबे देखो इनवर्ड को जाइए तो एबे कौन हम ना जिते ये आम रिलीज बेरिंग अच्छे रिलीज बेरिंग द्वारा जिते आम कॉनिकल डायफ्राम को आम ऑपरेट करवा से डायफ्राम स्प्रिंग इनवर्ड को पलिज भितर को पलिज ताद्वारा प्रेशर प्लेट कौन हो ना आउटवर्ड बा बैकवर्ड मोशन को पलि आस पछुआड़े घुंची पलि आस आगो क्लच प्लेट को दबे रखी था जो द्वारा कि फ्लाई व्हील क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट तीन टे जाक सैंडविच हो फ्लाई व्हील रु ड्राइव जाऊला बाय क्लच प्लेट एवं आउटवर्ड को जाऊला शाफ्ट देखिए बाहर को जाऊला गियर बॉक्स को जाऊला किंतु जेहेतु आम क्लच को अप्लाई कर देचु रिलीज बेरिंग द्वारा कॉनिकल शेप जो डायफ्राम रो कॉनिकल शेप को आम पुश करिचु तेणु तार फॉरवर्ड मोशन जिते आम कर अपोजिट रे कौन कर ना प्रेशर प्लेट बैकवर्ड मोशन कर पछ को घुंची आसो पछ को घुंची आसवा द्वारा क्लच प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को दबाई था तेणु निजे प्रेशर प्लेट पछ को घुंची गला पछ को घुंची जा द्वारा क्लच प्लेट पछ को घुंची जब तो ये स्केच रे देखो जो क्लच प्लेट पूर्व गोटे ब्लाक स्पॉट दिखाई गोटे ब्लाक स्पॉट दिखाई सीटा है गैप लिटिल अमाउंट रो गैप थाए क्या क्या भितर गैप ना फ्लाई व्हील आउ क्लच प्लेट मध्य गैप आग सैंडविच होते तेणु पावर ट्रांसमिशन चलूला एवं कौन ना गैप पलै आसला आउ पावर ट्रांसमिशन हम ना तो देखिया कौन कौच ना देयर इज नो प्रेशर एक्जर्शन बाय प्रेशर प्लेट ऑन द क्लच प्लेट जिते आम क्लच प्लेट को जिते आम क्लच लिवर को आम अप्लाई कर आउ प्रेशर प्लेट उपरे कौन से प्रकार बा क्लच प्लेट उपरे कौन से प्रकार दबाव रही प्रेशर प्लेट जेहेतु पछ को घुंची जाए तेणु क्लच प्लेट उपरे आउ कौन से प्रकार दबाव रही ना क्लच प्लेट मूव्स एक्सेली टुवर्ड्स एंड स्टॉप्स रोटेटिंग जेहेतु सी सैंडविच होकर बुलूला तेणु किसी अल्प समय पर सी बुल सी ऑटोमेटिकली बंद हो कारण सी ड्राइव पाइपर ना पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इंजन शाफ्ट टू द गियर बॉक्स आउ यही समय कौन हम ना पावर आउ ट्रांसमिट हम ना कौट को ना गियर बॉक्स को पावर ट्रांसमिशन हम ना तो ये जो डायफ्राम टाइप क्लच रे आमर एडवांटेज कौन रोचे ना डिसएडवांटेज कौन रोचे देखिबा ना एडवांटेज कौन ना इट इज मोर कॉम्पैक्ट मीन्स ऑफ स्टोरिंग एनर्जी दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर क्लच हाउसिंग जे
ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଅଳ୍ପ ବା ଛୋଟ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଡାଇମିଟରର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡାଇଫ୍ରମ୍, ସେଇଥିରେ ଆମେ ରିଲିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର ଟାଇପ୍ର ତାକୁ କଟିଂ କରିଛୁ, କନିକାଲ ସେପ୍ର କଟିଂ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଛୋଟ ଜାଗା ଭିତରେ ସିଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ଟା ବି ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଡାଇଫ୍ରମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ବୋଥ୍ କ୍ଲାମ୍ପିଙ୍ଗ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଲିଭର। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ଲଚ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କ୍ଲାମ୍ପିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅଲଗା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା, ରିଲିଜ୍ ଲିଭର ପାଇଁ ସେଠି ରିଲିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର ଥିଲା, ଫିଙ୍ଗର ତିନିଟା କି ଚାରିଟା ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଡାଇଫ୍ରମ୍ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି। ଇଏ ନିଜେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କ୍ଲାମ୍ପିଙ୍ଗ ଡିଭାଇସ୍ ବା କ୍ଲାମ୍ପିଙ୍ଗ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପରିକା କାମ କରୁଛି, ଆଉ ରିଲିଜ୍ ଲିଭର ବା ରିଲିଜ୍ ଫିଙ୍ଗର ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ୍, ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ଅପରେସନ୍ ଏଟ୍ ହାୟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ପିଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ବା କ୍ଲଚ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ପ୍ରପର୍ଲି ବା ଇଏ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଆମକୁ କାମ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଇକ୍ୱାଲି ଫିଙ୍ଗରକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି, ଲିଭରକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେମ୍ ଲେନ୍ଥର, ସେମ୍ ଟେନସନ୍ର, ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ସେମ୍ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଆମେ କାମ କରିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ଲଚ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଲିଭର ଯାକ ଦୂରରେ, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରେ ତିନିଟା କି ଚାରିଟା ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ମନେକର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲିଭର ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ବା ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱିକ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ସେ ଆମକୁ କାମ ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେହେତୁ ଇକ୍ୱାଲ ଲେନ୍ଥର ରହୁଛି ଡାଇଫ୍ରମ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବା ତା'ର ଲିଭର, ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ଟେନସନ୍ର ରହୁଛି, ତେଣୁ କାମ ଆମକୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଦେଇପାରିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ। ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ, ଯେମିତିକି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଆଉ ସେମି ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ, ଇଏ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଲେସ୍, କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି। ତ ତା'ର ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି ଇନ୍ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ଲାମ୍ପିଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଡାଇଫ୍ରମ୍। ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଆକାରର ବା ବଡ଼ ଧରଣର ବଡ଼ ଡାଇମିଟର ଯଦି ଡାଇଫ୍ରମ୍ ଦେବା, ତେବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରେସର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି କ୍ଲଚ୍ଟା ପ୍ରପର୍ଲି ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଡ଼େଡ଼୍ ଥିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇକି ଥିବ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା, କ୍ଲଚ୍ ସ୍ଲିପେଜ୍ ହେବ, ହିଟ୍ ହେବ ଏବଂ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ହେବାର ବହୁତ କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା, ଡୁଆଲ୍ ମାସ୍ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍, ତାକୁ DMF ବି କୁହାଯାଏ, ଡୁଆଲ୍ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କ୍ଲଚ୍, ଏଇଥିରେ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଇଥିରେ ଜେନେରାଲି ଦୁଇଟା ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ରହୁଛି। ଦେଖିବା ସ୍କେଚ୍ରେ, ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍। ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ରହିଲା, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍, ଇଏ ହେଲା କଭର୍। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କଭର୍ କରାହେଇଥିବ, କଭରେଡ଼୍ କରାହେଇଥିବ ଯେକୌଣସି ସେପ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ରୋଟେଟିଂ ବଡ଼ି ବା ରୋଟେଟିଂ ପାର୍ଟ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାକୁ କଭର୍ କରି ଏନକ୍ଲୋଜ୍ କରି ରଖିବା। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା, ଦୁଇଟା ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା ଏଇ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍, ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଆଟାଚ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା, ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଆଟାଚ୍ ହେଉଛି କ୍ରାଙ୍କ ସାଫ୍ଟରେ। ଏଇ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ଟା ଲେଡ୍ କ୍ରାଙ୍କ ସାଫ୍ଟରେ ଆଟାଚ୍ ହେଲା। ତା'ର ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଗ୍ରୁପ୍। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ ଲାଗେ ନା, ବେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସବୁ ଲାଗେ କୁସନିଂ ଏଫର୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ନଏଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍କୁ ଡେମ୍ପ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତ ବାକି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯେମିତି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ୍ଲଚ୍ ଆମର ଯେମିତି କାମ କରୁଛି, ଏଇଟା ବି ସେମିତି କାମ କରିବି। ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ଡୁଆଲ୍ ମାସ୍ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ମଚ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେ ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍। ଦେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲଚ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଇନ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍। ଯେମିତିକି ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ କ୍ଲଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଲା, ଲଡ଼େଡ଼୍ ହେଇକି ରହୁଛି ବା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ପାୱାରଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏ ବି ସେମିତି ହିଁ କାମ କରିବ। ହ୍ୱେଦର ଇନ୍ ଡୁଆଲ୍ ମାସ୍ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଡିଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଟ୍ ଦେୟାର୍ ଆର୍ ଟୁ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଆଜ୍ ଅପୋଜ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ଇଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ଫ୍ଲାଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଦେଟ୍ ମେକ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ।
जे ये कौन हो ना फ्लाई व्हील गोटे जगार कन्वेंशनल जमी गोटे फ्लाई व्हील रोला ये दुईटा फ्लाई व्हील रहा ही डिफर करुच्ची दुईटा फ्लाई व्हील भितर स्प्रिंग थी लेट एटा गोटे फ्लाई व्हील एटा गोटे फ्लाई व्हील दुईटा फ्लाई व्हील मिसिक अच्छी बाय मीनस ऑफ नट एंड बोल्ट फिक्स कराई से जो फ्लाई व्हील भितर स्प्रिंग अरेंजमेंट कर स्प्रिंग ग्रुप ये देखो स्प्रिंग ग्रुप राउंड रे स्प्रिंग ग्रुप थी स्प्रिंग ग्रुप अरेंज कराई था जो दुईटा फ्लाई व्हील भितर वाइब्रेशन को डैम्प डाउन करने स्प्रिंग लग जाए फ्लाई ये फ्लाई व्हील रहा ये गोटे फ्लाई व्हील रहा क्लच प्लेट जमी लगे कथा जमीती सिंगल प्लेट क्लच एक्जाक्टली येमती कम कर लेट ये रहा लास्ट फ्लाई व्हील फ्लाई व्हील पर क्लच प्लेट लगे क्लच प्लेट पर प्रेसर प्लेट लगे जमीती कि रिलीजिंग मेम्बर बा रिलीफ मेंबर बा ऑपरेटिंग मेंबर जो मैंने थे जो मैंने कि क्लोज को रिलीज करेंगे से अटैचमेंट बा से अरेंजमेंट सब थी। नेक्स्ट देखिए ना डुअल मास फ्लाई व्हील इनकॉर्पोरेट ए सीरीज ऑफ स्प्रिंग बिटवीन द फ्लाई व्हील्स एंड दीज स्प्रिंग एक्ट ए वाइब्रेशन डैम्पर मुझे कहूँ जे डुअल मास फ्लाई व्हील स्प्रिंग लगी थाए एवं जो स्प्रिंग गुड़ा कि कौन कौन पाई काम करिवो ना वाइब्रेशन को डैम्प डाउन करिवापाई बा वाइब्रेशन को कमे देवाई ताकू डिमिनिश करिवापाई ए स्प्रिंग सब लगा जाय थाए व्हेयर वाइब्रेशन एंड नॉइज इज ट्रांसमिशन यूजिंग ए सिंगल फ्लाई व्हील हैज नाउ व्हेयर टू गो एक्सेप्ट डायरेक्टली इनटू द पावर ट्रांसमिशन पावर ट्रेन सिस्टम जो वाइब्रेशन की पावर ट्रेन सिस्टम को आम छाड़ा दबानी जहाँ भी वाइब्रेशन क्रिएट हे क्लच उपर जहाँ भी एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन एनी काइंड ऑफ साउंड जहाँ भी क्रिएट हो से पाखे ही सीमित होकर रही जाऊ से ट्रांसमिशन सेक्शन आड़ को न जाऊ जमु बाई लड से वाइब्रेशन ट्रांसमिशन आड़ को जमी न जाऊ तो ये डुआल मास फ्लाई व्हील स्केच देखा बैक साइड रे जो अच्छी सी फ्लाई व्हील मेन फ्लाई व्हील आम जानू मेन फ्लाई व्हील उपरे गोटे रिंग थी जोटा कि टूथड रिंग जी की कौन पाई लगी थाए ना इंजिन को जितने आम क्रांकिंग करवा सेल्फ स्टार्टर लगी थी बेंडिक्स ड्राइव सेल्फ स्टार्टर लगी थी जोटा कि ये जो रिंग देखा जाऊँचे ये रिंग उपरे अटैचमेंट कराई थाए तापर आसला ता बाहर को आसला आ गोटे फ्लाई व्हील सेकेंडरी फ्लाई व्हील से सेकेंडरी फ्लाई व्हील एवं प्राइमरी फ्लाई व्हील ये दुईटा फ्लाई व्हील भितर स्प्रिंग अरेंजमेंट थी एवं स्टार पिनियन रिछ पिनियन अरेंजमेंट थाए कौन पाई ना वाइब्रेशन को डैम्प डाउन करने जमी ए डुअल मास फ्लाई व्हील स्प्रिंग सिस्टम डैम्पन्स दिस इंजन वाइब्रेशन रिजल्टिंग इन लेस नॉइज इनक्रीज कम्फर्ट फॉर द ड्राइवर एंड इनक्रीज लाइफ ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम जेहेतु डुअल मास फ्लाई व्हील कौन कराई ना स्प्रिंग दिखाई वाइब्रेशन को डैम्प डाउन करने जो द्वारा कि लेस नॉइज हम वाइब्रेशन जमरु आसीबो ना एवं ट्रांसमिशन सेक्शन रो लाइफ मध्ये इंक्रीज हम। नेक्स्ट देखिबा ना टाइप ऑफ डुअल मास फ्लाई व्हील जनरली डुअल मास फ्लाई व्हील को ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंग नंबर ऑफ स्प्रिंग ताकू डिवाइड कराई थाए जमती कि सिंगल फेज बेंट डबल फेज बेंट ट्रिपल बा थ्री फेज बेंट एमती स्प्रिंग केतुटा दिखाई ताऊपर डिपेंड करुच्ची ना डुअल मास फ्लाई व्हील को केमी नामकरण हो देखा ना द मेन टाइप इज कॉल्ड ए प्लानेटरी डुअल मास फ्लाई व्हील प्रीवियस स्केच प्रीवियस को जीवा आम टे स्केचटा देखापी यहाँ जमी ये प्लानेटरी चित्र प्लानेटरी गियर लगी कन्वेंशनल ये है कन्वेंशनल मेथड ये कौन हो ना प्लानेटरी गियर लगी तो सेटा ही दे डुअल मास फ्लाई व्हील मेन है फास्ट काइंड ऑफ है प्लानेटरी डुअल मास फ्लाई व्हील एथे कौन लगी था प्लानेटरी सिस्टम लगी था आउ रिंग गियर लगी थी एवं स्प्रिंग लगी थी बेंड स्प्रिंग लगी थी। नेक्स्ट इंडिविजुअल बेंड स्प्रिंग इंडिविजुअल बेंड स्प्रिंग कौन हो ना से जो दुईटा फ्लाई व्हील भितर केवल गोटाए ही सिंगल फ्लाई सिंगल बेंड स्प्रिंग थी इंडिविजुअल जड़े ही थी वन फेज बेंड। नेक्स्ट आसवा वन फेज बेंड स्प्रिंग इन पैरेलल ये कौन हो
ना द स्टैंडर्ड स्प्रिंग आर कॉल्ड पैरेलल स्प्रिंग ऑन वन फेज गोटाए स्प्रिंग लगी थी वो किंतु दिज कंसिस्ट ऑफ एन आउटर एंड एन इनर स्प्रिंग ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ ये कौन ही थी ना वन फेज रे कौन ही थी ना दीटा एक स्प्रिंग इक्वल लेंथ ही थी स्टैंडर्ड रे आमर गोटे लागुचे बा इंडिविजुअल बेंट जोटा कि आम देखिले इंडिविजुअल बेंट रे केवल गोटे स्प्रिंग लगी थी वन फेज बेंट स्प्रिंग रे कौन लगी थी ना दीटा स्प्रिंग लगी थी किंतु इक्वल लेंथ रही थी जड़े आउ जनक भितरे थी गोटे स्प्रिंग स्प्रिंग गोटे थी ता भितरे छोट बा सरु स्प्रिंग आ गोटे लगी थी किंतु इक्वल लेंथ रे लगी थी नेक्स्ट आसीबा टू फेज बेंट स्प्रिंग इन पैरेलल टू फेज बेंट स्प्रिंग इन पैरेलल ए टू फेज बेंट स्प्रिंग रे कौन ही थी ना इन द केस ऑफ टू स्टेज स्प्रिंग देयर आर टू कर्व्ड पैरेलल स्प्रिंग ऑन इनसाइड द अदर बट द इंटरनल स्प्रिंग इज शॉर्टर देन दैट द ये कौन ही थी ना टू फेज बेंट स्प्रिंग रे दीटा स्प्रिंग लगी थी जमती कि आमे देखिले सिंगल फेज बा वन फेज रे टू फेज रे कौन ही थी ना दीटा स्प्रिंग लगी थी गोटे स्प्रिंग बा बड़ थी आ गोटे स्प्रिंग छोट थी छोट अर्थात तार लेंथ कम थी जोटा इंटरनाली फिक्स हो गोटे एक्सटर्नल बा आउटर स्प्रिंग गोटे इनर स्प्रिंग आउटर स्प्रिंगटा लंबा थी एवं इनर स्प्रिंगटा शॉर्ट थी नेक्स्ट आसवा थ्री फेज बैंड स्प्रिंग रे कौन ही थी ना स्प्रिंग तीन टा थी गोटे हैला लेंथ जोटा सबुठ लंबा थी सी है बड़ स्प्रिंग आउ दीटा छोट स्प्रिंग थी जोटा कि भितर लगे थी गोटे स्प्रिंग देन आ गोटे स्प्रिंग ये दुईटा एक स्प्रिंग को गोटे स्प्रिंग द्वारा कवर कराऊ ये थ्री फेज बेंट स्प्रिंग काइंड जो डुआल मास फ्लाई व्हील डिवाइड कराई था नेक्स्ट आसवा फ्लुइड कपलिंग क्लच देखिबा इट इज दुईटा फैन अच्छे गोटे फैन रे आम कौन करुचु ना पावर अच्छे आ गोटे फैन रे पावर दि जाए गोटे फैन बुलिले आ गोटे फैन मध्य बुलिबो कौन पाई ना सी आउ जन गठू कौन पाउचे ना पावर पाउचे अर्थात लेट आम फ्लुइड कपलिंग रे कौन करिबा ना केमिति पावर पाउचे एयर द्वारा पावर पाउचे एक्जाक्टली सही प्रिंसिपल आम कौन करिबा ना एटी एयर परिवर्ते आम कौन देबा ना फ्लुइड देबा फ्लुइड दे देबा दुईटा एक इंप्लायर लेट ई गोटे इंप्लायर दुईटा एक इंप्लायर को गोटे यूनिट भितर एनक्लोज करदे नियरेस्ट दुईटा एक पाखापाखि रखा एवं ताकु कंप्लीटली फ्लुइड रे फुलफिल करदे एवं लेट इटा ई गोटे इंप्लायर सेक्शन गोटे है टर्बाइन आ गोटे है इंप्लायर जी ड्राइव दिए बा जहाँ पाखे पावर अच्छे सी है टर्बाइन आउ जी ड्राइव निए से है इंप्लायर दुईटा जाक यूनिट को आम सैंडविच करदे मिसईदे एवं ये कौटू पाइब लेट जमी ये फ्लाई व्हील थी एक्जाक्टली ये है लेट फ्लाई व्हील ये है फ्लाई व्हील तेणु कौन हम ना दुईटा जाक यूनिट को आम जब एनक्लोज करदे ये जेहेतु ड्राइव पाँच कौन यार टर्बाइन बुलिबो से टर्बाइन रो प्रेशर रे कौन हम ना इंप्लायर बुलिबो से इंप्लायरटा कनेक्ट हो क्लच शाफ्ट एवं इंप्लायर बुलिबा द्वारा क्लच शाफ्ट बुलिबो जो द्वारा कि पावर ट्रांसमिशन हो पार कोर्ट को ना ट्रांसमिशन सेक्शन को ओके तेबे आम क्लच विषय जानिले जमी फ्लुइड कपलिंग क्लच आउ डायफ्राम क्लच एवं डुअल मास फ्लाई व्हील ए विषय सब जानिले तो कहार जदि कौनसी असुविधा थाए कि बुझिपार नथिबे कौनसी जगह जब डाउट थी तेबे मते कांटेक्ट करि परिबे मोर व्हाट्सएप नंबर हैला 8144865918 धन्यवाद। झीटे तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवन मूल कथाटी से आगकू गले आगक जीव संसार आम झील मैंने पुओं ठू पछरे एवं तो बदली गला समय बदली गला जुग से झील मानू आहरी आगक नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने सरकार सुदक्षा योजन सरकारी आईटीआई मध्यम संपूर्ण मागणारे जोगे देउछंती सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञानकौशल तालीम एबे आमो झियो रहिबे सबुठु आगरे सबुठु उपरे मु सफल मु कुशल मु सुदक्षा आमे सुदक्षा।